के ऊपर पिक्चर है। इसमें बताया है कि इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता और वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। और आदमी जब भी तकलीफ में होता है फैमिली उसके हमेशा पीछे खड़ी रहती है। क्या बात कर रहे हो भाई, यकीन नहीं आता। तो आपका वेडिंग एल्बम देखो, शादी के टाइम आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपके पीछे रहते है ना। और अभी पॉइंट पे आते, बोले तो अभी आप दोनों के लिए पेश है एक स्पेशल परफॉर्मेंस फ्रॉम फीवर 104 एफएम की फैमिली। अजय जी, आप दो बार हमारे यहाँ पे आए, हमने आपको हंसाने के लिए अनुराग पांडे से भी नचवाया, लेकिन आप हंसे ही नहीं। तो इस टाइम हमारी फीवर की फैमिली ट्राई करेंगे कि आप एक बार हंस दे। एंड नाउ प्रेजेंटिंग फॉर यू वन स्टैंड अप एक्ट। नहीं नहीं, आप लोग बैठे रहो। आप हंसते नहीं लोगों की शिकायत आपकी हंसी में मेरा प्रेजेंट डिपेंड करता है। अगर आप हंसे तो डबल अप्रेजल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली बॉलीवुड और हॉलीवुड की सिनेमा की तारीफ करने का अलग तरीका होता है। अगर आप बॉलीवुड की मूवी देखो और बाहर निकलो, अरे क्या पिक्चर थी, वहाँ मजा आ गया, अंटा प्ले चांटा होता डिपॉटा मारा है ना अजय देवगन ने, पंजाब सिंगम में मजा आ गया, मेरे को तो मराठी भी आ गई भाई, आता माजी सटकी। हॉलीवुड की बात आती है, अगर एक कुलावा का लड़का अपनी मम्मी की परमिशन लेके सबर्ब चले जाए एक हिंदी मूवी देखने के लिए, तो उस पिक्चर की तारीफ में दोस्तों के सामने कैसे करेगा? और डूड, आई सॉ दिस मूवी। या व्हिच मूवी? द बैंग। द बैंग, ओह आई मीन द बैंग, एग्जैक्टली, डजंट मेक अ डिफरेंस, इट्स किलर। व्हाट्स द स्टोरी डूड? व्हाट्स द स्टोरी?